लेकिन सर आश्चर्य तो इस बात को लेकर होता है कि आप बता रहे हैं 15 साल में आपने कितना काम किया, बावजूद इसके अब जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगता है कि प्रदेश के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। सारी चुनाव की कमान जो है वो दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। देखिए, पार्टी का भरोसा भारतीय जनता पार्टी का, और जहां तक आपने कहा कि चेहरा क्या होगा जी, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा जी, हम आपको बता दें कि 2003, 8 और 13 भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी चेहरे को सामने रख के, आप उस पुराने चुनाव को भी दोहरा के देख लें, कभी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन के नाम से मुख्यमंत्री बनाने के नाम से वोट नहीं मांगा, और इस बार भी यही परंपरा है, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरे को सामने रख के सामूहिक नेतृत्व, ये हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, और हम ये काम करते हैं। तो सर मोदी फैक्टर का छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा? चमत्कार है मोदी जी का, चमत्कार। हाँ। डबल इंजन सरकार हाँ। छत्तीसगढ़ कर रहा है इंतजार हाँ। ये इंतजार कर रही छत्तीसगढ़ की जनता कि ये डबल इंजन की सरकार, जिस मोदी जी ने छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता दी, आजादी दिया फाइनेंस के मामले, जहां 32% केंद्र के द्वारा हमें केंद्र के बजट का हिस्सा मिलता था, 32% राज्य का शेयर, मोदी जी ने 32% से बढ़ा के सीधा 42%, 10% का ग्रोथ। मोदी जी ने राज्य के विकास के लिए पहली बार पहले दिन ही ये निर्णय लेकर, तो ऐसे बड़े निर्णय, और छत्तीसगढ़ सर अभी क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, वरना तो इस पर और डिटेल में आपसे बात करती, आपसे बात करके मजा बहुत आ रहा है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ में अब की बार डबल इंजन की सरकार, अब सबसे मुश्किल सवाल इस इंटरव्यू में मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तो 2023 में 90 में से कितनी सीटें, नंबर बताना पड़ेगा सर। 2023 सामने है, और 2023 में एक बात पूरे दावे और भरोसे के साथ सर, सीट का नंबर मंच की मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। कोई सीटों का आंकड़ा नहीं, आंकड़े हाँ। कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि हाँ। आंकड़े के बारे में चाहूं हाँ। मगर ये कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बढ़ेगी। और 24 में 11 में से कितनी, आप 24 का इतिहास तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब पिछले बार हमारे सिर्फ 15 विधायक हम जीत के आए, उसके बाद भी तुरंत लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो जिन लोकसभा में 15 विधानसभा में हम जीत के आए थे, लोकसभा के आंकड़े को मिलाकर देखें, हम 67 विधानसभा में आगे बढ़ गए थे, और 11 में 9 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती, 2003, 8 और 13 यानी 4, 9 और 14 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी 9 और कभी 10 के आंकड़े पार किया है, इस बार भी हम उसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए, हमारे शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार डबल इंजन की सरकार, ये हुंकार भर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और आगे जब लौटेंगे तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कभी हैं कुमार विश्वास जी, अब तो इस आधुनिक दौर के कथावाचक भी बन गए हैं, मतलब जितने लोकप्रिय युवाओं के लिए हैं, अब उतनी ही लोकप्रियता बुजुर्गों में भी बटोर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।